हेलो एवरीवन, अब हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की नींव की, या मैं यूं कहूं आपके अपने घर में रखी जाने वाली पहली महत्वपूर्ण ईंट, फिर जहां से आपका घर बनना स्टार्ट होता है, आपका ऑफिस बनना स्टार्ट होता है, आपकी फैक्ट्री बननी स्टार्ट होती है, उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण रोल बताया गया है विश्वकर्मा प्रकाश में। क्या है वो रोल? रोल है नींव। नींव कहां पर रखी जाए, पहली ईंट कहां पर रखी जाए, और ये इतना बेसिक पार्ट है जिसको हम इग्नोर करते हुए आते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं। और मैं अपने फ्री बेसिक वास्तु कोर्स के अंदर इसको बताता हूं। उसका कारण ये है कि आपको ये चार दिवाली के अंदर होने वाली सारी चीजों को ट्रीट करना, हल करना आ गया, पर आपने नींव ही गलत रखी। जैसे एक बच्चे का जन्म से ही खराब हो जाना, फिर आप उसको कितनी भी दवाइयां खिलाओ वो कैसे एक नॉर्मल जीवन को जिएगा? नींव रखी कैसे जाती है? नींव सूर्य, जो कि हमारी सृष्टि का, हमारी पृथ्वी का एक एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी का पार्ट है, और सर्प देवता सांप स्नेक, जिसके ऊपर हमारे शास्त्रों के अनुसार ये पृथ्वी विराजमान है, इन दोनों के आपस में संतुलन से। तो सूर्य जिस जिस राशि में गोचर करते हैं उस हिसाब से इस सर्प देवता अपनी पोजीशन को पृथ्वी में चेंज करते जाते हैं, और जिस पोजीशन पे सर्प देवता नहीं होते, जिस दिशा में सर्प देवता नहीं होते, वहां हम नींव को धारण करवाते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य कन्या में, लियो में सिंह में, या तुला में लिब्रा में है, तो आपको अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में नींव को रखना होता है, ताकि सर्प देवता को खंडित ना हो। सर्प देवता है उनकी बॉडी के ऊपर वो ईंट ना रखी जाए और वो खंडित ना हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये मात्र एक ट्रांजिट ही है, और इसको और अच्छा अगर आप करना चाहते हो तो अपनी कुंडली में अगर आपकी राशि इन तीनों राशि में से कोई भी राशि आठवें या बारहवें खाने में है, तो इन महीनों में आपको कभी भी नींव नहीं रखवानी होती। कैसे? ये ट्रांजिट को देखने के लिए सिर्फ गूगल करेंगे कि सन ट्रांजिट इन 2020, सूर्य का गोचर 2020 में, और आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि अलग अलग राशियों में सूर्य कहां कहां पर गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। बस आपको दिशा को देख लेना है और वहीं पर नींव को लगाना है। और अपनी ही कुंडली में अगर आठवें और बारहवें खाने में वो तीन राशियां हो, तो तीन महीने आपको शिफ्ट कर देना है। कारण क्या है? क्योंकि आठवां और बारहवां खाना भी घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। बस इतना ही। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तु के ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं आप सभी का।